हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है जो कि मैं शूट करना भूल गई थी स्टार्टिंग से। मैं ये एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ एंड मैं बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही हूँ, जो कि पहले मेरा 32B था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे शूट करना चाहिए, अब तो मैंने किया था। एंड फर्स्ट टाइम मेरा बोर्डिंग गेट इतना पास था कि मुझे ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, वरना यहाँ पर मुझे चलने के डर से ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर चली फिर मैं आ गया था मेरा बोर्डिंग गेट नंबर। बट बाद में मेरा फिर, क्योंकि फ़्लाइट डीले थी, 2 घंटे डीले थी मेरी फ़्लाइट, तो वो फिर गेट नंबर चेंज हो गया था, 30 हो गया था, 30A, क्योंकि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मुंबई से, तो वहीं से लेट आई थी फ़्लाइट, तो ये डीले हो गया। बट एनीवे, इतना देर वेट करने के बाद मैं फ़्लाइट में बैठ गई थी। एयर इंडिया थी मेरी एंड उसमें जाते ही ये स्नैक्स दिया एंड उसमें था एक सैंडविच था, पनीर सैंडविच, पानी का बॉटल, रियल जूस और एक चॉकलेट था, जो कि बाकी सब कुछ मैंने खा लिया था और लेकिन चॉकलेट मैं लेके आ गई थी। फिर मैं लखनऊ पहुँच गई हूँ, मेरा फर्स्ट स्टॉप लखनऊ था एंड मैं 12th को लखनऊ थी, 13th को भी लखनऊ थी एंड 2-3 बजे मैं वहाँ से निकली थी। एंड शहर तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के कैब के प्राइस बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो देख के ही हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की फ़ोटो है, मैं तैयार हो गई थी ऑफिस जाने के लिए, तो ये तब की फ़ोटो है। मैं फ़ोटो क्लिक करके फिर मैं ऑफिस चली गई थी, क्योंकि मैंने कुछ शूट नहीं किया था, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था मैंने। एंड उसके बाद ये मैं फिर 2 बजे तक वहाँ थी, फिर मैं निकल गई थी कानपुर के लिए। मैं रास्ते में हूँ, मैं कानपुर जा रही हूँ एंड ये ग्रीनरी बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर ये ना कोई रिवर है, कोई नदी है, नाम मुझे नहीं याद रहा, शायद गंगा या कुछ ऐसे बोला था वो कैब वाले भैया ने। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको कैप्चर कर लूँ, लेकिन इतने अच्छे से हो नहीं रहा है और नदी में पानी भी इतनी नहीं थी, पर मैंने किया है, थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया है। एंड उसके बाद मैं होटल पहुंच गई हूँ। ये होटल बहुत अच्छा था, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी होटल में मैं रुकी हूँ, सबसे अच्छा होटल लगा मुझे इस बार ये। एंड सबसे बेस्ट पार्ट था इसका ये सोफ़ा, बहुत ही अच्छा था, एकदम रिलैक्सिंग। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ मिरर में और मैं वही बोल रही हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या करूँ ट्रैवल कर करके। बट एनीवे, ये रूम देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, इंटीरियर भी अच्छा था यहाँ का। ड्रिंक आ चुका है, मैंने फ्रेश लाइम सोडा बोला था बिकॉज अभी मेरा कुछ ऐसा ठंडा पीने का मन कर रहा था। अब इसको मैं आराम से यहाँ बैठ के पीऊंगी और मैं आपको बताती हूँ टेस्ट कैसा है। लेट मी शो यू फ्रेंड्स, नॉट बैड, अच्छा है टेस्ट। एंड हाँ, गर्मी के हिसाब से ठीक है, मुझे थोड़ा मीठा लग रहा है ज़्यादा, बट ठीक है। अब आपको हम दिखाते जाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं आगे, क्योंकि मैं कल सुबह निकली हूँ, कल से मैंने कुछ शूट नहीं किया है एडसेस, क्योंकि मुझे इतना याद भी नहीं रहा। अभी मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ी मैं रिलैक्स मोड में आई हूँ, तो आई विल कीप शेयरिंग, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड फ्यू क्लिप्स। ओके, फिर मैंने डिनर में एक सादिया मंगाया था और ये फ्रूट और टूटी फूटी आइसक्रीम, फिर मैं ये खा के सो गई थी। अच्छा था टेस्ट, सबका अच्छा था। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे ये रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए। फिर मैं ऑफिस में, मैंने लंच में ये खाया था बाटी चोखा, ये भी टेस्टी था। फिर मैं 4 बजे के करीब मैं कानपुर से निकल गई थी इलाहाबाद के लिए, और ये रास्ते में, इस रास्ते में इतने सारे आम थे ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं ये इलाहाबाद पहुँचने वाली हूँ, और मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला था तो मैं टाइम पर पहुँच गई थी इलाहाबाद। एंड फिर मैं होटल में चेक इन करके फिर मैं थोड़ी सोचा कि ऑफ़िस जाती हूँ, होटल के पास में ही था ऑफ़िस एंड मैं थोड़ा वॉक ही कर रही थी, क्योंकि बैठे बैठे ना बिल्कुल पेट ऐसे हो रहा था। बट थोड़ा आगे गई, मुझे समझ नहीं आया। फिर ये अंकल थे, बहुत बूढ़े थे और ये बोल रहे थे कि मैं काफ़ी टाइम से सवारी ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है, आप मुझे छोड़ दो वहाँ तक। फिर उन्होंने मुझे अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया था। फिर मैं वापस आई थी होटल एंड मैंने ये खाना खाया, बहुत ही बकवास था।
और होटल भी अच्छा नहीं था। फिर मैं नेक्स्ट डे हो गया है ये शाम को, फिर मैं निकल गई हूँ वाराणसी के लिए। और ये वहाँ का अलाहाबाद का कोई सेल्फी पॉइंट है, आई लव प्रयागराज। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने शूट कर लिया यहाँ पे। देन ये संगम है जो अलाहाबाद का मेन कुंभ मेला जहाँ लगती है, मैंने भैया को बोला था बोल देना मैं शूट करूँगी, और मैंने थोड़ा ये शूट किया है। मुझे ऐसे अच्छे से दिखाई दे रहा था, फिर मैं वाराणसी पहुँच गई हूँ। हाई फ्रेंड्स, एंड टुडे आई एम इन वाराणसी। और मैंने कल शूट नहीं किया, कल मैं अलाहाबाद में थी तो मैं इतना शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो होटल अच्छा नहीं था, रूम भी इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो मेरा मन ही ख़राब सा हो गया था। बट दिस रूम इज़ सो नाइस, बहुत स्पेसियस है, एंड आई विल शो यू जस्ट। And the best part is, I'm going to show you. This is something so wow, I feel. मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर फ्रेंड्स, मैंने ये खाने में ये नूडल्स मंगाए थे और ये कोक मंगाया था क्योंकि मेरा बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बाहर का रोटी चावल या कुछ भी ऐसा, क्योंकि रोज़ वही बाहर का खा खा के ना हम पक जाते हैं बाहर ट्रैवल पे हो तो। और मैं 4 दिन मुझे ऑलरेडी हो गया था गए हुए। Hey guys, तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। एंड क्या सो के मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैंने अपना चाय बनाया है, और अभी मैंने कॉल करके डेंटल किट और प्रेस मंगाया है क्योंकि आयरन करना होगा। और मैं उठते ही मैंने सबसे पहले अपना ये कर्टन खोला। रुको मैं दिखाती हूँ आपको, सी मेरा चाय बन चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे ये वाले चाय से ही काम चलाना पड़ता है। मैं अब रिलैक्स होके वहाँ बैठ के और फिर पीऊंगी। हाय फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड आज मैंने ये प्योर इंडियन आउटफिट पहना है विद दिस झुमका, जो कि मैं नहीं पहनती हूँ बट आई जस्ट वांटेड टू वेयर इट। एंड मैं ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ और मैं रेडी भी हो गई हूँ ऑलमोस्ट। अब सारा ये जो भी बिखरा पड़ा है इसको पैकिंग करना है एंड देन वी विल गो एट द ऑफिस, और उसके बाद शाम को मेरी फ्लाइट है। ये तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ अब इसके बाद, आई डोंट नो मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज मेरा प्लान है कि मैं मम्मी के लिए एटलीस्ट एक बनारसी साड़ी लूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी गई हूँ कहीं से अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। तो होपफुली मैं 2-3-4 बजे तक शायद निकलूँगी, मैं वो लूँगी जो लेना है एंड उसके बाद फिर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगी। देखते हैं, अगर मैं गई मार्केट तो आई विल शो यू, अगर नहीं जा पाई फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मैं आपको बता दूँगी। और फ्रेंड्स, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने शॉपिंग होटल से ही कर लिया। होटल के नीचे ये बहुत अच्छा सा शॉप था, सुबह ब्रेकफास्ट करने आई थी तो बंद था लेकिन चेकआउट के टाइम में ये ओपन हो गया था। तो यहाँ से मैंने 2 साड़ी ली मम्मी और दादी के लिए, बहुत अच्छा था, रीज़नेबल प्राइस में था क्योंकि इनका कुछ फैक्ट्री वगैरह थी, यही दोनों साड़ी है, रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। फिर मैं ऑफ़िस गई, ऑफ़िस से शाम को फिर मैं निकल गई हूँ और ये मैंने खीर खाई, मेरी जो कुलीग है उसने मंगाया था, इतनी टेस्टी थी ये खीर, कोई भी बनारस जाता है वो खीर खाओ। एंड देन मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी, चेक इन कर लिया था, सब कुछ करके मैं आराम से बैठी थी। मेरा बोर्डिंग गेट नंबर 2B था। उसके बाद फ्लाइट में टाइम थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं। मैं पहले डर रही थी कि कहीं बड़ा एयरपोर्ट होगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा या कुछ भी, पर छोटा सा एयरपोर्ट था, सब कुछ फटाफट हो गया।
फिर मैंने यहाँ पे जो छोटे छोटे शॉप होते हैं ना, मैंने वो देखे, वहाँ पे जो भी लगा हुआ था, पर्सेज एंड बाकी सारी चीज़ें। बट यहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई होती है, सबको पता है, क्योंकि उनको पता है टूरिस्ट प्लेस है तो बिकेगा ही, पर वहाँ से लेने का कोई मतलब बनता नहीं है कुछ। और कुछ ऐसा लेने लायक मुझे लग भी नहीं रहा था कि यूज़ में आए। फिर मेरी बोर्डिंग गेट नंबर चेंज हो गई थी, 1B हो गई थी, फिर मेरे पास मैसेज आया, फिर मैंने गेट नंबर चेंज किया, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, बट लकीली मैं सबसे पहले आके बैठ गई थी अपनी सीट पे बैठ के। फिर बाकी लोग अभी अंदर आ रहे हैं एंड मैं आराम से अपनी सीट पे बैठ गई थी आके। उसके बाद काफ़ी देर के बाद वैसे फ्लाई हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद ये आया स्नैक्स के लिए, ये मैंने मिक्स फ्रूट जूस लिया था और ये कैश्यू लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया है, ऊपर से देखने में कितना अच्छा लगता है रात को, झिलमिल झिलमिल। और ये अभी दिल्ली तो नहीं पहुंची थी, थोड़ा सा पीछे ही थी, ये मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ। और ये इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, और उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा था फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गई, अब मैं घर चली जाऊँगी। क्योंकि इतने टाइम बाहर रहो ना, घर की बहुत याद आती है, मन करता है अपने घर जाओ, अपने बेड पर सो जाओ। और ये कितना सुंदर व्यू आया है, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट स्टिल अच्छी आई है ये फ़ोटो, मुझे अच्छी लग रही है, बाकी मेरी बहन को अच्छी नहीं लगेगी। फिर मैंने ये फ़ोटो खींच के अपनी बहन को भेजी थी, मैंने लैंड कर लिया था, मैं हम अंदर ही थे, तो अपनी लाइक जो फैमिली ग्रुप है उसमें भेजा था कि चल देखो मैं लैंड कर चुकी हूँ, मैंने अपना नेट ऑन कर लिया है। उसके काफ़ी देर के बाद हमने एग्जिट किया था क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम था, आई डोंट नो। फिर मैं टर्मिनल 2 पे था मेरा लैंडिंग, तो फिर मैं वहाँ उतरते ही पहले मैं वॉशरूम गई, फ्रेश हुई, फिर मैं आई। मेरा जो लगेज था उन्होंने बोला था बेल्ट नंबर 6 पे मिलेगा, बट वो चेंज हो गया था, बेल्ट नंबर 5 पे था। मैं लगेज लेके फिर कैब बुक करने में इतनी परेशानी हुई, फिर मुझे कैब मिल गया और मैं अच्छे से बैठी हूँ, और मैं बस ऐसा लग रहा है मैं घर पहुँच जाऊँ जल्दी से। और फिर मैं रास्ते में मतलब ऑलमोस्ट 11 बजने ही वाले थे, 10:45 हो रहे थे, मैं 11:15 घर आई हूँ। और फिर अब मेरी छोटी बहन अपना कर्तव्य का पालन करते हुए मेरे पैर छू रही है, बाकी क्या आप उसके शॉर्ट्स में देखिएगा। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।